मैं YouTube चैनल अनन्या मॉम ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, मैं अभी गई थी तन्मय के स्कूल, तो स्कूल में उसका रिजल्ट था, तो मैं रिजल्ट लेके आई हूँ। रिजल्ट अच्छा है, प्रोग्रेस है पहले से बहुत अच्छा, तो रिजल्ट अच्छा निकला इसका। और इस तरह से तो अनन्या अभी मेरे साथ गई थी, जैसा कि हाँ देखिए, इन लोगों को बस बाहर का ही सामान खाना है और कुछ नहीं। तो लंच मेरा पूरा रेडी तैयार हो चुका है और बस चावल तैयार करना है, तब मैं जा रही हूँ चावल तैयार करने। और जल्दी जल्दी 11:30 बजे तक टाइम था, और सारा काम करके फिर जल्दी जल्दी तैयार होके मैं झटपट गई और झटपट बस आ गई। अब चल रही हूँ चावल बनाने। और फिर तो इस तरह से 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया है, तो एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत नसाज चल रही थी, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैं भी ब्लॉग नहीं बना रही थी। और जो इससे पहले भी आपका ब्लॉग गया, वो भी मेरा पहले का, मतलब मैंने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा था सब, तो वो नहीं तो मैं 4-5 दिन से कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। वो वीडियो मेरे पास पहले से था, तो मैंने वही अपलोड कर दिया था। और देखिए बच्चे, बस घर आना है, उसके बाद बस टीवी देखना है, टीवी। और मौसम बहुत ही यहाँ अजीब हो रहा है, मतलब सुबह से लेकर बादल घिरा रह रहा है, 2-3 दिन से बारिश हो रही है लगातार, शाम को रेगुलर बारिश हो रही है, कल रात को भी बहुत बारिश हुआ, परसों भी हुई थी, इस तरह से अभी भी बादल पूरा घिरा हुआ है। भूख नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पे अंकल के उस ब्लैक वाले पे बिल्ली सोई हुई है। एक बिल्ली है जो हमारे घर में भी आकर परेशान करती है। जब हम लोग कॉलोनी में गए थे तो ना वहाँ पे गए डॉल के आए ही थे, और ना एक दो तरफ देखे गए गिट्टी के तरफ फरखाने लगी, फिर डॉगी भी वैसे ही डॉल के आया, इधर उधर देखा और वैसे ही नकल करने लगा। तो बिल्ली है वही उधर आराम कर रही है, सो रही है, और अगर किचन का गेट खुला रहेगा तो अंदर तक आ जाती है। में ज्यादा पप्पी है और यहाँ पे ज्यादा बिल्ली है। मतलब इसके पहले वाले कॉलोनी में पप्पी थे ज्यादा, यहाँ बिल्ली है, तो उठाओ बेटा उसको। तो और ना यहाँ पे भी 2-3 को पप्पी है, यहाँ भी पप्पी है। तो चलिए मैं चलती हूँ अब लंच बनाने, और जो कुछ कुछ बना चुकी हूँ, बस चावल बनाना है। तो अब जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं चाय पी हूँ, थोड़ा सा और बाकी है, तो मैं जा रही हूँ चाय पीने। और मैंने सोचा कि रोज स्कूल में तो सूटी पहन के जाती हूँ, तो आज मैंने साड़ी पहन के गई। और तो मेरा एडमिशन भैया के स्कूल में होगा और मेरे दोस्त का भी होगा। ओके, देखते हैं क्या होता है। सोच तो यही रहे हैं कि इसका एडमिशन तन्मय के ही स्कूल में करवा दें, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ, इसमें हस्बैंड को भी सुबह लाने जाना, इसको लेके जाना पड़ता है, मुझे लाने जाना पड़ता है, तो यहाँ है दोनों लोग हो जाएंगे तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहेगा। और डाब है और सोसा है, मतलब खीरा लाकर रखा हुआ है, आ जाया है, तो इसे बस रखना है अंदर। और तो चलिए झटपट मैं थोड़ा सा गरम गरम चाय पी लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। यह है तन्मय का रिजल्ट, 90%। तो इस बार रिजल्ट इसका ठीक आया है, प्रोग्रेस है। मैं डांटती रहती हूँ मैं पढ़ाई को, मेरा रिजल्ट अच्छा आता है फिर भी डांटती हूँ, तो मतलब कि बेटा सिर्फ अच्छा करने से तो नहीं ना होगा, आजकल कंपटीशन का टाइम है तो थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा। तो चलिए, जब तक हैंडलर नहीं आता तब तक पढ़ाई करना है। और खुद हाँ खुद कितना लाना है देखते हैं आपका रिजल्ट क्या होता है। अभी इसका अभी बाकी है निकलना। तो चलिए लगातार बने रहिए मेरे ब्लॉग में, जैसा ऐसा मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी, और प्लीज़ वीडियो मिला अंत तक बने रहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सुबह बनाया था सत्तू पराठा, तो मतलब अलग तरह का थोड़ा सा सत्तू मैंने बनाया था, उसका पराठा बनाया 2 रोटियों के बीच में सत्तू को रख के और फूल की तरफ से मोड़ कर, इस तरह से पराठा तन्मय को बहुत पसंद आया था, उसने खाया।
और मैं सुबह 2-3 तरह का पराठा बनाई। एक्चुअली बच्चों की फरमाइश हो रही थी अनन्या ने, तब मैंने कहा कि मम्मी रात का सब्जी बचा हुआ है और रोटी भी है तो थोड़ा सा वेज रोल बना दो, तो मैंने वेज रोल भी बनाया। तो रोटी में थोड़ा सा ऑयल लगा कर उसे सेक दिया, उसमें मैंने सब्जी रख दी, खीरा रख दिया, प्याज रख दिया, सॉस डाल दिया, उसे रोल कर दिया। ये देखिए वेज रोल बन गया। अनन्या ने कहा कि मुझे पनीर पराठा चाहिए, वो भी ट्रायंगल शेप में, तो मैंने उसके लिए ट्रायंगल शेप में पनीर पराठा बनाया। गोल सर्कल को मैंने मोड़ कर हाफ कर दिया और बीच से उसे कट करके और उसके बीच में पनीर को भर के इस तरह से, देखिए बच्चों के लिए छोटा सा ट्रायंगल पराठा, पनीर पराठा, ट्रायंगल पराठा पनीर का इस तरह से। तो मैं आज बहुत दिनों से सोच रही थी कि सहजन की जो डाँठा होता है उसकी सब्ज़ी मैं आप लोग से शेयर करूँ, तो आज मौका मिला है डाँठा का सब्ज़ी बनाने का। तो मैंने डाँठा को अच्छे से बनाकर कल ही रख लिया था और चुनकर उसे अच्छे से छिलके हटाकर, तो आज मैंने बस उसे धोकर मैंने फ्राई कर लिया है। और देखिए फिर मैंने तेल में थोड़ा सा हींग, लाल मिर्च और तेज पत्ता डाला है, प्याज डाला है, और फिर मैं अलग से आलू को इसमें फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत आलू को मैं सुनहला होने तक इसमें फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छे से थोड़ा बहुत आधा पक जाए। और फिर उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है भुनने के लिए, क्योंकि आलू थोड़ा बहुत पक चुका है। और फिर मैं इसमें हल्दी और आज गोलकी जीरे का पाउडर और धनिया पाउडर और उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं डालकर इसको हल्का सा फ्राई होने तक होने दूँगी। और जैसे थोड़ा सा बहुत फ्राई होगा उसके बाद मैं इसमें फ्राई किया हुआ डाँठा डाल दूँगी, मतलब सहजन। और ये हमारे कॉलोनी से, कॉलोनी यहाँ जो वहाँ मैं रहती हूँ अभी, वहाँ से मिला है, बगल में किसी के घर शायद होता है, उन्होंने लाकर दिया है। कॉलोनी से भी आ जाता है, वहाँ भी बहुत सारे पेड़ हैं। फिर मैं इसमें देखिए टमाटर को डाल रही हूँ, और ये अभी ए सीजन में डाँठा खाना बहुत अच्छा होता है, ये चिकन पॉक्स को भी रोकता है। कहा जाता है कि चिकन पॉक्स को थोड़ा सा चांस कम रहता है, पर होने को तो हो ही जाता है या जो भी हो। तो इस तरह से देखिए मेरी डाँठा की सब्ज़ी, मैंने मसाले में थोड़ा सा सरसों भी डाला था, लहसुन अदरक लहसुन के साथ। तो इस तरह से मेरी डाँठा की सब्ज़ी बन गई है। मैं इसे बस सुखा ही रखूँगी, पानी नहीं डालूँगी, माइनर थोड़ा सा बहुत पानी डालूँगी नहीं तो नहीं, क्योंकि मैंने दाल भी बनाई है लंच के लिए। तो इस तरह से, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर डाँठा की सब्ज़ी आपको पसंद आई हो, मेरे इतने तरह के पराठे पसंद आया हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिजी होने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा।